सारी जने आ गए क्या जी? हम तो पता नहीं कितने देर से आपका इंतजार कर रहे हैं मैम। भाई गुप्ता जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं पड़ रहे। मैम मैं यहीं पर हूँ। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए मैंने आपको देखा नहीं। मैम वैसे आपने हम सब शिक्षकों को यहाँ ऐसे इकट्ठा क्यों किया है? थोड़ा सब्र कीजिए गुप्ता जी, मैं वही बात करने वाली हूँ। अच्छा। दरअसल मेरे एक मित्र, उन्होंने पिछले वर्ष सेंटा यानी सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन द्वारा आयोजित एक टीचिंग प्रोफेशनल्स ओलंपियाड में भाग लिया था, जिसमें एक प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अपने शिक्षण कुशलता को साबित करने का मौका मिला। अच्छा। इसके साथ ही उन्हें पुरस्कार स्वरूप नगद राशि भी मिली। पूरे स्कूल में नाम हुआ वो अलग से। इसलिए मैंने उनसे बोला था कि यदि फिर से इसका आयोजन हो तो मुझे जरूर इत्तला करे। अच्छा। तो बस कल उनका फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वर्ष दिसंबर माह की 3 तारीख को ये ओलंपियाड फिर से हो रहा है, तो उसी की जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया, ताकि हम सब मिलके इस शिक्षकों के महाकुंभ में हिस्सा ले सकें। लेकिन ये होता क्या है? ये एक प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि कंप्यूटर के जरिए लिया जाता है। जो कंप्यूटर नहीं भी जानते वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें शैक्षिक कुशलता के साथ ही चयनित विषय से जुड़े प्रश्न होते हैं। आप सबने छात्रों के लिए होने वाले ओलंपियाड के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे कि पिछली बार तिवारी जी के बच्चे ने गणित ओलंपियाड में हिस्सा लिया था। तो वैसे ही पहली बार किसी संस्था ने हम शिक्षकों को ध्यान में रखकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम अपनी प्रतिभा को व शिक्षण कौशल को और निखार सकते हैं। सेंटा का उद्देश्य अध्यापकों को सक्षम बनाना है, शिक्षण क्षमता को बेहतर और उसको विकसित करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पिछले वर्ष ये सिर्फ 7 शहरों में ही आयोजित की गई थी, जबकि इसकी सफलता को देखते हुए इस बार ये प्रतियोगिता देश के 23 शहरों में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 11 विषयों की कैटेगरी होती है। इस बार तो 2 अलग चैलेंजर कैटेगरी जोड़ी गई है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि अब तक हम बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे और अब हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे? झा जी, ये सिर्फ एक प्रतियोगिता या टेस्ट नहीं है। सेंटा द्वारा आयोजित ये ओलंपियाड देश भर के शिक्षकों के लिए एक मौका है जहाँ पर वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और उनकी इस कोशिश को सेंटा एक नया आयाम दे रहा है। सोचिए, एक जगह जहां देश भर के शिक्षक एक साथ मिलकर अपनी योग्यता को एक अलग दिशा देंगे। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बस आपने कर दी ना फायदे वाली बात। अच्छा अच्छा, चलो मैं पहले फायदे ही बताती हूँ। सबसे पहली चीज, इसके माध्यम से आपको बहुत से अच्छे पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा, जैसे कि दुबई में होने वाली ग्लोबल एंड स्किल फोरम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का आमंत्रण और सह विजेताओं के साथ एक पुस्तक में सह लेखन करने का मौका। द हिंदू समाचार पत्र में पूरा प्रोफाइल प्रकाशित होगा और 50 नगद पुरस्कार, जिसमें 3 विजेताओं के लिए 1 लाख तक की राशि शामिल है, व टॉप 500 अध्यापकों को सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ हर एक अध्यापक प्रतियोगिता में अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन कर सकता है, जो कि पूर्णतया गोपनीय रहेगा। अब सोचो, जब आप लोग शिक्षक पद पर नियुक्त होकर यहाँ आए तो फिर आपको क्या लगा कि बस अब यहीं तक हमारी जिंदगी है? लेकिन सोचो, हम खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जा सकते हैं, अपनी पहचान सिर्फ एक शिक्षक से हटा के एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अब बताओ गुप्ता जी, अगर आपका पूरा प्रोफाइल किसी पेपर में आएगा तो आप ना अपने गांव में दिखाओगे? मैडम, इसके लिए हमें करना क्या होगा? बस टीपीओ की साइट यानी www.tpo-india.org पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर ही है। शिक्षकों के पास प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के संपर्क में चुनने के लिए 11 विषयों की सूची होगी, जिसमें एक सूची हिंदी में होगी। माध्यमिक के 2 विषयों में टीपीओ चैलेंजर नामक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो शिक्षक भाग ले सकते हैं जो अपने विषय के बारे में व शिक्षा प्रणाली, स्कूल प्रबंधन वगैरह के बारे में काफी जानकारी रखते हैं व उसके बारे में और जानकारी पता करने की इच्छा।
इस वर्ष ये प्रतियोगिता सिर्फ दो विषयों में हो रही है, माध्यमिक स्कूल मैथ और माध्यमिक स्कूल विज्ञान। वैसे शर्मा जी, आपको विज्ञान वाले टीपीओ चैलेंजर में हिस्सा लेना चाहिए। जी मैडम, मैं जरूर हिस्सा लूंगा। हाँ मैम, शर्मा जी लगे भी तो रहते हैं नए नए आविष्कारों के बारे में जानने के लिए। क्यों शर्मा जी, आपको जाना ही चाहिए। वैसे इसकी फीस क्या है? हाँ हाँ बताती हूँ। टीपीओ टेस्ट के लिए फीस है 450 रूपए और टीपीओ चैलेंजर के लिए 750 रूपए। आप इस फीस का भुगतान ऑनलाइन, डिमांड ड्राफ्ट या आप HDFC बैंक की किसी भी शाखा में सेंटा के खाते में सीधे नकद जमा भी करा सकते हैं। नहीं तो आप डिमांड ड्राफ्ट कूरियर भी कर सकते हैं। और इसकी पूरी डिटेल www.tpo-india.org पर उपलब्ध है। वैसे एक और रास्ता है, जैसे कि किसी स्कूल के 10 से अधिक शिक्षक इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो एक साथ शैक्षणिक रजिस्ट्रेशन के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। वैसे एक खास बात जो मैंने इसकी साइट पर देखी वो ये है कि कोई भी जो ग्रेजुएट हो व जिसके अंदर शिक्षण प्रणाली के बारे में पूर्ण समझ हो वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। अरे वाह, ये तो कितना सही है। मतलब कि मेरा छोटा भाई जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो किस तरह के होंगे मैडम? अच्छा सुषमा जी, अब कुछ तो मेहनत आप भी कर लीजिए। इसकी साइट www.tpo-india.org पर जाइए, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देश में दूसरी बार हो रहा है टीचिंग प्रोफेशनल ओलंपियाड December 3, 2016 को, जहाँ भाग लेंगे देश भर के शिक्षक। आइए सुनते हैं पिछले वर्ष भाग लेने वाले शिक्षकों को। मेरा नाम शिवानी नागरत है, मैं समरफील्ड स्कूल में वाणिज्य सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। टीपीओ का पूरा अनुभव ऐसा था कि जो ये सेंटा की टीम थी हर एक लेवल पर बहुत सेंसिटिविटी से टीचर्स की नीड को देखते हुए ये ओलंपियाड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव कंपटीशन, बट बहुत ही पॉजिटिव वे में कि हम अपना स्तर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जितना मैं सीखूंगी उतना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकती हूँ। मैं गीता श्रीधर, मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ। हम जब टीचर बन जाते हैं वो हमारा अंतिम पड़ाव नहीं होता, वो हमारा जर्नी का शुरुआत होता है। उससे हमें आगे स्टेप्स लेना बड़ा ज़रूरी है और ये एक अच्छी सीढ़ी है जिससे हम चढ़ के और ज़्यादा हाइट्स अचीव कर सकें। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों को आ करके ये एग्ज़ाम देना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए। मेरा नाम अनीता श्रीजित है। हम टीचर्स हैं, हम लोगों के लिए कभी कोई ऐसा एग्जाम होता नहीं है, कोई परीक्षा है। हम बच्चों को जरूर परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, पर हमारे लिए कभी कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है, वो भी ओलंपियाड लेवल का। मैंने प्राइमरी सेक्शन में मेरा फर्स्ट रैंक, तो मुझे पिछले साल एक मौका मिला था दुबई जाने का। वहाँ पर वारके फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस थी जो एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। इसलिए मैं कहूंगी कि सारे शिक्षकों को जरूर ये एग्जाम देना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छी बात जो ये लग रही है कि ये किसी भी तरह से कोई इसका एंडोर्समेंट नहीं है और कोई इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है। इसमें वो ही टीचर अपने को रजिस्टर करेगा जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि वो अपने बारे में जाने। इसमें कोई रिजल्ट का कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पास और फेल का जो गुंजाइश होता है वो इसमें बहुत ही खूबसूरती से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कि इसमें पर्सनलाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट टीचर को मिलने वाली है। जो टीचर अप्लाई करेगा, वॉलेंट्री इसमें रजिस्टर करेगा, वो अपने किसी आईडी नंबर से अपनी परफॉर्मेंस खुद जान सकेगा। अपने आप को जरूर रजिस्टर करें इस ओलंपियाड में, क्योंकि समाज के विकास के लिए शिक्षा से ज्यादा बहुमूल्य और शिक्षक से ज्यादा अमूल्य कुछ नहीं है। ये थी हमारे साथ ललिता प्रदीप जी, जिन्होंने हमसे बात की ओलंपियाड को लेके। टीपीओ के बारे में और बेहतर जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं मिस्टर अशोक पांडे जी से, जो प्रिंसिपल हैं एल्कोन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सोनम जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सेंटर द्वारा शुरू किए गए इस टीचिंग प्रोफेशनल ओलंपियाड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम टीचर्स के रूप में हमेशा अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जो चीज हम अपने बच्चों में विकसित करना चाहते हैं वो खुद हम अपने आप में भी विकसित कर लें। तो जो टीचर ओलंपियाड है, मैं उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। पहला ये है कि वो टीचर्स इसको जो है एक बहुत ही आनंददायक या एक इंसेंटिवाइज्ड या एक ल्यूक्रेटिव कैरियर नहीं समझ रहे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अच्छे बच्चे टीचिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाएं जहां टीचर्स अच्छे हों, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छा टीचर नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे देश की एक विडंबना है। तो ऐसे में जो टीचर्स अभी हैं उनको तो अब हमें रोक के रखना है। उनको कैसे ये लगे कि हाँ, हमें इस प्रोफेशन में उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जिसको बोलते हैं वो हो, इसके लिए ये टीचर्स ओलंपियाड की खास भूमिका होती है। अब वो एक उसमें हिस्सा लेंगे तो अपने सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, डोमेन, उसको उन्हें दर्शाने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने जो कक्षा के अंदर क्या क्या विविधताएं ला रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को शोकेस करने का मौका मिलेगा। और जब वो शोकेस करेंगे तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उनका रिकॉग्निशन होगा एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी टीचर्स के लिए अपने प्रोफेशन में एक नया आयाम लाने के लिए। और इस तरह के आयोजन से जो शिक्षण है, जो हमारा सिस्टम है, उस पर क्या असर पड़ता है टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा सवाल भी है आपका कि आप देखिए, मान लीजिए कि इसमें हजारों की संख्या में टीचर्स हिस्सा लेंगे, तो इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंटा, इनके पास आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा डेटा आ जाएगा कि क्लासरूम की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के कौन कौन से साधन और कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, और उसका इस समय प्रयोग भी हो रहा है। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करके ये एक रिसोर्सेज का चैनल बना सकते हैं और हम सबके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आप ये समझिए कि एक ऐसी चीज हो गई कि इसमें हम इनपुट भी टीचर्स ही देंगे और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो फिर टीचर्स के ही काम में आ जाएगा। जो अभी हमारे टीचर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि जिन टीचर्स ने इसमें रजिस्टर किया या करने जा रहे हैं, वो सारे टीचर्स मेरे तरफ से और पूरी शिक्षा व्यवस्था की तरफ से वो बधाई के पात्र हैं। किसी कारणवश कोई अभी रह गया है, अभी भी समय है, उनको एक बहुत ही नया अनुभव होगा। और मैं इसको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि पिछले वर्ष 5000 कुल लोगों ने इस टीपीओ में हिस्सा लिया था पूरे देश से, और उस 5000 में 30 अध्यापक सिर्फ मेरे विद्यालय के थे। और उनके अनुभवों को अब जब मैं बांट रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सोनम, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब तो आपने सुन ही लिया टीपीओ टीचिंग प्रोफेशनल्स ओलंपियाड के बारे में। छात्रों के लिए तो ना जाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, व ना जाने कितनी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, लेकिन ये दूसरी बार होगा जब शिक्षकों को ध्यान में रखकर कुछ किया जा रहा है। इस बार तो ये प्रतियोगिता 23 शहरों में आयोजित की जा रही है, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, पटना, इंदौर, लखनऊ, जयपुर, नोएडा, उदयपुर, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, मदुरई, मुंबई, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, पुणे आदि। तो फिर देरी किस बात की, आज ही विजिट कीजिए www.tpo-india.org, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और 31 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। तो फिर जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस प्रतियोगिता को द हिंदू व माइकल और सूजन डेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, और इसमें सहयोग कर रहे हैं वार्की फाउंडेशन, एचटी पारेख फाउंडेशन एंड सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। वो किसी भी जानकारी के लिए इसके हेल्पलाइन नंबर 8880390557 पर संपर्क करें। नंबर एक बार फिर से 8880390557। नमस्कार।